सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा नौवीं का अध्याय महादेवी वर्मा, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन, उसका अध्याय करेंगे। इससे पूर्व हमने महादेवी वर्मा जी का परिचय पढ़ा है और कुछ कहानी भी समझी है कि उनका बचपन किस प्रकार बीता था, उनको किस विद्यालय में पढ़ने का शौक था, उनकी सहेली कौन थी, ये कौन सी कक्षा में इन्होंने क्रास्टमेट कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था, इनकी जो खास सहेली थी वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उसको भी कविताएं लिखने का शौक था, इनको भी शौक था, ये पाँचवीं कक्षा में पढ़ती थी और इनकी सहेली जो है वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अब यहाँ पे सुभद्रा जी ने क्या किया है, अपना छात्रावास खत्म हो गया, मतलब वो छात्रावास से निकल चुकी है और उनके स्थान पे अब उनकी दूसरी सहेली आएगी। लेकिन उससे आगे का हम जो शीर्षक है वो पढ़ते हैं कि इनको जो तुकबंदी या कविता का शौक था उसके चलते इन्होंने क्या किया, एक बार जो कवि सम्मेलन इत्यादि होते हैं उसमें महादेवी वर्मा जी, इनको क्या था, कविता बोलने का बड़ा ही शौक था, तो ये अपनी कविता सुनाने के लिए कहाँ चली गई, आनंद भवन में चली गई। आनंद भवन में इन्होंने अपनी कविता सुनाई और कविता देशभक्ति से ओतप्रोत होते हुए, मतलब उस समय या उस समय के काल को देखते हुए वो कविता अत्यंत प्रसिद्ध भी रही और उनको कई कविताओं में क्या प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके चलते इन्होंने जो आनंद भवन में कविता सुनाई थी, इनको एक चांदी का कटोरा मिला था। इसके विषय में कहानी है जो अपन पढ़ेंगे, आप पेज नंबर 71 पे ध्यान देंगे, पैराग्राफ 2 पे। एक बार की घटना याद आती है कि कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। क्या मिला था, चांदी का कटोरा मिला था। इसका बना था चांदी, इसको मिला महादेवी जी पे, क्यों मिला, तो इनकी कविता के ऊपर मिला इनको चांदी का कटोरा। अब इसके लिए उस समय आनंद भवन में इनका आगमन हुआ था महात्मा गांधी जी का, जिनको सभी बापू कहकर पुकारते हैं। महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ तो हर बार क्या होता था, जो छात्रावास की बहनें थी या जो भी ये इनकी जो भी संगी साथी ने थी, वो सब मिलकर क्या करती, उस समय सत्याग्रह भी चल रहा था देश में, ये 1917-20 के आसपास की बात है, तो उस समय सत्याग्रह भी चल रहा था, तो सभी लोग अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए अर्थात अपने धन में से क्या करते थे, कुछ धन बचाते थे, मतलब कुछ पैसे बचाते थे, इसको अपन कहते हैं ना बचाव करना जरूरी है, गरीबों को दिया जाना चाहिए, देश हित में वो काम आते, इसके लिए वो धन बचाते थे। और देश हित के लिए जब भी बापू अर्थात बापू महात्मा गांधी जब भी आते इन बहनों के पास में, तो ये अपना जो भी संग्रह किया हुआ धन था वो बापू को दान में अर्थात देशभक्ति के लिए दे देती थी। अब एक बार की बात है, छोटी थी महादेवी वर्मा, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो अब उनको क्या हुआ कि उनको हर बार प्रथम पुरस्कार मिलता था और 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे, मतलब 100 तो उनको पदक मिल गए, किसके लिए मिल गए इनको, तो अपने कविता के लिए, ठीक है। हाँ, एक कहानी, एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलन में या यहाँ आनंद भवन में जो कवि मंच लगता था वहाँ पर जाकर कविता सुनाने का शौक था, उसके विपरीत सुभद्रा को इतना शौक नहीं था, तो सुभद्रा अक्सर नहीं जाया करती थी, महादेवी वर्मा जाती थी। तो अब जैसे प्रथम जो जीत हासिल होती है, प्रथम जब पुरस्कार मिलता है, तब खुशी का आपको पता है ठिकाना नहीं रहता है, तो वैसा ही ठिकाना महादेवी वर्मा को नहीं रहा। और ये अपना चांदी का कटोरा लेकर जब बापू संग्रह की राशि इकट्ठी करने के लिए आए, संग्रहण करने के लिए आए थे, तब ये बड़े ही उत्सुकता से बापू के पास गई और अपना चांदी का कटोरा दिखाती है, तो आगे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, बड़ा सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी और उस दिन भी सुभद्रा उस कवि सम्मेलन में नहीं गई थी, मतलब आनंद भवन में नहीं गई। हाँ, आनंद भवन है तो आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो ये प्रयाग में, कहाँ स्थित है, प्रयाग। अब आपको याद रखना भाई, परिचय में अपने पढ़ा था प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेवी वर्मा आचार्य के पद पर कार्यरत रही थी, तो ये याद रखना है वही प्रयाग है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला, मैंने कौन, या महादेवी वर्मा बोल रही है अपनी सहेली से जो उससे क्या है कक्षा में 2 साल आगे पढ़ रही है। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो एक सहेली के नाते उसने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, बढ़िया है, तुमने क्या मिला, चांदी का कटोरा मिला, तुम प्रथम पुरस्कार की हकदार बनी, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन ज़्यादा खुशी उस समय होगी जब क्या, जब महादेवी तुम मुझे इस कटोरे के अंदर क्या खिलाओगी, खीर बनाकर खिलाऊंगी।
चलो ठीक है। तो सहेलियों में थोड़ी हंसी टिटोली हुई और हाँ भरी हाँ भर ली गई उसके चलते। अब वहां पे कौन आ गए? बापू आ गए। मैंने क्या कहा था क्यों आए? वो संग्रहण की राशि मतलब जो दान की राशि इकट्ठी करते हैं देशभक्ति के, वो लेने के लिए आए। तो बापू के पास जब बापू आते तो वह पैसा उन्हें दे देती थी। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। कौन? महादेवी वर्मा। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया, बापू को निकाल के कटोरा दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। जैसे छोटे बच्चों में उत्सुकता होती ना, जो मैंने वो काम किया ना तो मुझे ये प्रथम पुरस्कार मिला है, तो इसलिए वो भी बता रही है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझे। तो फिर बापू ने प्रतिक्रिया में कहा अच्छा तुम्हें चांदी का कटोरा मिला है, दिखाना मुझको। उन्होंने वो कटोरा बापू को दे दिया, महात्मा गांधी को दे दिया। उसे हाथ में लेकर बोले, कटोरे को हाथ में लिया और बोले तू देती है इसे? उन पे एक प्रश्न छोड़ दिया कि मुझे तू देगी क्या? अब मैं क्या कहती? अब इस असमंजस की स्थिति में महादेवी वर्मा क्या कहती? मना भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैंने दे दिया और लौट आई। फिर मतलब अच्छे मन से मैंने वो कटोरा दे दिया और फिर मैं वापस लौट आई। अब उनके हृदय में एक दुख बस गया था। किसके हृदय में? महादेवी वर्मा की। क्या दुख था? तो उस दुख के विषय में देखेंगे। चांदी का कटोरा देना दुख नहीं था, वो तो वैसे देशभक्ति की क्या है एक प्रतिमूर्ति थी, लेकिन उनको दुख इस बात का हुआ कि जैसे ही उसे ये कटोरा उसने दिया, उसने इतना कहा कि कविता सुनाने पर मिला, तो भी महात्मा गांधी अर्थात बापू ने उसको ये नहीं कहा कि एक बार तो अपनी कविता मुझे भी सुना। तो जब उसे ये नहीं पूछा गया तो उसे इस बात का दुख हुआ, ठीक है। तो आगे ध्यान देंगे। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा ने क्या कहा? और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनाकर खिलानी पड़ेगी, चांदी के कटोरे में ना सही पीतल के कटोरे में खिला देना, लेकिन मैं खीर खाए बगैर तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो ये दोनों सहेलियों के बीच में पुनः बात हुई। अब आगे अपन देखते हैं कि अब जैसे जैसे समय बीतता गया, समय आपको पता है परिवर्तनकारी होता है, सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई और उनकी जगह पे वहां पे किस लड़की का आगमन हुआ? एक मराठी लड़की, मराठी लड़की थी वो अब उनके छात्रावास में आकर रह गई, जिसका नाम यहाँ आया अपनी पुस्तक में जेबुनिसा। क्या नाम आया भाई? जेबुनिसा नामक मराठी लड़की। ये सब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे अपन। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज है। जेबुनिसा एक मराठी लड़की उनके क्या छात्रावास में या उनके साथ आकर रहने लग गई। वो कहाँ से आई थी? तो वो कोल्हापुर से आई थी, अंडरलाइन कर लेना, कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। उसके अंदर भी क्या था, कोई भेदभाव नहीं था। जैसे सुभद्रा कुमारी थी ठीक वैसे ही स्वभाव की जेबुनिसा थी। वो क्या करती थी, महादेवी वर्मा जब भी अपना लेखन कार्य करती, कुछ लिखती तो कुछ आपको पता है कुछ सामान इधर उधर बिखर जाता था, इसको वो बिना रोक टोक या बिना उसको टोके हुए जब भी वो अपनी तुकबंदी में लीन होती, उससे पहले वो उसकी बेंच वगैरह को पूरा साफ कर देती और सारे सामानों को व्यवस्थित रख देती। जैसे घर में एक बड़ी बहन छोटी बहन का काम करती है, ठीक उसी प्रकार जेबुनिसा महादेवी वर्मा का भी काम कर देती थी। अब वो मराठी मराठा से आई थी, मराठी बोलती थी, तो उसके चलते क्या हुआ कि उसके साथ साथ में वो जैसे महादेवी की सहेली बन चुकी थी तो हिंदी बोलने का भी प्रयास करती थी। इसके चलते क्या हुआ कि मराठी और हिंदी उसकी क्या हो गई, थोड़ी मिल गई थी। तो यहाँ पे क्या है, एक जिन्नत बेगम जो थी उन्होंने उसको कहा, जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर वोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कहती तो उस्तानी जी, या उस्तानी जी कहा गया जिन्नत बेगम को, ठीक है, कहती थी वाह देसी कौवा मराठी बोली, ठीक है। जैसे मतलब उसको कह रही है तो देसी कौवा और मराठी बोली बोल रही है। उनको नहीं पता था कि जेबुनिसा कहाँ की थी, मराठी थी वो। तो उसने वापिस उनको जवाब दिया और कहा हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे, वो तो मैं महादेवी के साथ रहकर हिंदी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। और उनका वो जो अगर वेशभूषा के विषय में देखें तो जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी पहनती थी और वैसा ही ब्लाउज भी पहनती थी। अब यह घटना मैं बताती हूँ, आज़ादी से पहले क्या था हमारे देश में, कोई सांप्रदायिक जो ये विभिन्नता आज फैली हुई है, सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं था। तो इसके लिए महादेवी वर्मा भी ये कहानी सुनाती है कि हमारी पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उस मुस्लिम परिवार में जो औरत रहती थी वो मेरी माता से उम्र में बड़ी थी। तो महादेवी वर्मा की माता का क्या नाम था, हेमरानी देवी, और पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद। ये याद रखना आपको,
तो वो कहानी सुना रही है कि उस समय हमारे मतलब कोई भी भेदभाव नहीं था, उनके त्यौहार हम मनाते थे, हमारे त्यौहार वो मनाते थे। और वो जो पड़ोस में जो मुसलमान रह रही थी, मतलब जो मुसलमान घर रह रहा था, उसमें जो औरत थी वो मुझे कहती थी कि तुम मुझे क्या कहकर पुकारो, ताई कहकर पुकारो। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा या उनके भाई जो भी थे वो सब उनको ताई साहिबा कहकर बुलाते थे। अब क्या हुआ, समय जैसे मैंने कहा ना बदलता रहता, आगे बढ़ते रहते। तो वहाँ एक बार क्या, श्रावण का महीना आया, रक्षाबंधन का त्यौहार आया। रक्षाबंधन का त्यौहार जो हिंदू धर्म में प्रमुख त्यौहारों की गिनती में भी आता है, तो रक्षाबंधन के त्यौहार में वो ताई साहिबा जो है बार बार महादेवी वर्मा से कहती कि तेरा भाई निराहार बैठा है, तू उसके राखी बांध। तो बार बार मतलब उसको बुलाना, और यह भाई कौन, उस ताई साहिबा का पुत्र, मतलब वो मुस्लिम लड़का, उसके लिए वो महादेवी वर्मा को बार बार बुलाती और वो उसको राखी भी बांधती थी। वो उसे, श्रावण का महीना होता है तो उसके चलते उसे उपहार स्वरूप लहरिए कुछ ऐसे उपहार भी देता था। अब क्या, दोनों भाई बहन आपस में खुश थे। अब जैसे मुसलमानों के मुहर्रम का त्यौहार आता तो हरे कपड़े जब उनके सिले जाते थे, तब उनके पड़ोस में महादेवी वर्मा अर्थात गोविंद प्रसाद जी और इमरानी देवी का परिवार रहता था, उनके लिए भी वैसे ही हरे वस्त्रों का मतलब हरे वस्त्रों की व्यवस्था की जाती थी। तो ये दोनों उदाहरण जो अपने को मिल रहे हैं वो क्या है, वो सांप्रदायिक एकता का उदाहरण है। ठीक है, तो मतलब हम बटे हुए नहीं थे। ये तो 1947 आज़ादी के बाद का भारत ऐसा हुआ कि जिन्होंने हमें फूट डालो राज करो किया, वो तो क्या है आज हमारे भारत में वापस आज़ाद होकर घूम रहे हैं और हम भी उनके चेहरे देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन सही वास्तविकता ये है, तो आपस में हम सब हिंदुस्तान पाकिस्तान तो भाई है, लेकिन इतना विरोधी बना दिया गया कि एक जो रेखा ऐसी खींची हमारे बीच में जिसके चलते हिंदुस्तान पाकिस्तान का मतलब किसी का मुंह नहीं देखे वो इसका, तो इसके चलते क्या है, ये एक तरीके से एक राजनीतिक जो है ना दुष्कर्म है, उसके चलते पूरे भारत मतलब हिंदुस्तान और भारतीयों का ये जो भी है पाकिस्तानियों का जीवन पूरा तहस नहस हो चुका है। उसके पहले इतना भेदभाव नहीं था। ये त्योहारों के विषय में आया। उसके बाद में एक छोटी सी घटना और हुई है कि माता हेमरानी देवी के, या हम ऐसे कहते हैं महादेवी वर्मा के, हेमरानी के क्या हुआ था, पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो पड़ोसी लोग जो भी है खुश होने वाले तो होते ही है, नहीं होने वाले घर वाले नहीं होते। तो यहाँ पे इसके जब पुत्र हुआ तब इसके पड़ोस में जो ताई साहिबा रहती थी वो इतनी खुश हुई कि इनके पुत्र के लिए क्या नए वस्त्र खेल जिन्होंने लेकर आए। और जब उस पुत्र को ताई साहिबा ने पहली बार देखा तो उसको देखकर इतना खुश हुई कि ये कितना सुंदर है, इसने तो मेरे दिल को चुरा लिया, अर्थात इसका जो मुख है इतना सुंदर है कि मैं तो इसका नाम भाई क्या रखूंगी, मनमोहन रखूंगी। तो हेमरानी देवी के पुत्र का नाम ताई साहिबा ने क्या रख दिया, मनमोहन रख दिया। सीधा बताऊं तो महादेवी वर्मा के भाई का नाम उस ताई साहिबा ने क्या रखा, मनमोहन। आजकल हम नाम रखने का ठेका तो हम घरवाले रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, पड़ोसी, पड़ोसी होने के बावजूद वो अन्य धर्म की, ये हिंदू थे वो मुसलमान धर्म की थी, और उस मुसलमान धर्म की ताई जो साहिबा थी उसने हेमरानी और गोविंद प्रसाद के पुत्र का नाम मनमोहन रखा। और वो ही मनमोहन वर्मा जो है आगे चलकर, जो महादेवी वर्मा के भाई के नाम से हम जानते हैं, वो आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे थे, मतलब वही प्रोफेसर रहे। ठीक है, आगे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था, ये महादेवी वर्मा स्पष्ट करना चाह रही है। मतलब तो कोई भेदभाव नहीं था, पड़ोसी जो मुसलमान होते हुए भी क्या था, ये हमारी एकता का प्रतीक था। अब ये जो भारत की विशेषता अनेकता में एकता, वो सिर्फ एक कागजों में छपकर रह गई, नहीं क्यों है, हम तो अनेकता में अनेकता वाले ही हैं। हम छोटी मोटी बात पे दंगे इत्यादि पे उतर आते हैं तो ये हमारी भारत की पहचान नहीं है। तो इसके चलते हमें इस बात पे भी ध्यान देना है, और इस पाठ का सारांश यही है कि हमें सांप्रदायिक रूप से क्या होकर रहना है, एक होकर रहना है। जब हम ही आपस में खंडित होते रहेंगे तो फिर दुनिया कोई भी आएंगे जो हमें झकझोर जाएंगे। इसके चलते मैं वापस कह देती हूँ, ब्रिटिश सरकार जिसने हमारा क्या किया था, बंटवारा किया था, तो ये सीधा सीधा काम तो उनका था हमें बांटने का, लेकिन फूट डालो राज करो, वो फूट डाल के चले गए और हम उनके पीछे पागल हो गए, और हम अपने ही भाइयों से रात दिन लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो इस पाठ का सारांश यही है कि आज वास्तविकता में देखे तो शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। अगर हम उसी तरीके से जिस प्रकार महादेवी वर्मा का बचपन गुजरा था, किस प्रकार पड़ोसी हिंदू मुस्लिम सब एक थे, सब आपस में त्यौहार मिलजुल कर मनाते थे, तो आज भी अगर वैसा होता तो
हिंदुस्तान का नक्शा या छवि जो है वो क्या होती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और ही होती। धन्यवाद।